हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हीरोज़, एक ऐसी पॉडकास्ट जहाँ पे आप और मैं ऐसी मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आपको लगा हो कि आप ही सुपरस्टार है। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है अरविंद, सीधा कनाडा से। तो आओ सीधा अरविंद के पास चलते हैं और जानते हैं उनकी स्टोरीज। हाय अरविंद, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू यमन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे चल रहा है सब कुछ कनाडा में? कनाडा बढ़िया यार, अब तो मतलब सॉकर का बहुत बढ़िया सीन है यहाँ पे, सबसे फुटबॉल का, अब तो सॉकर वर्ल्ड कप आ रहा है यार। हाँ मतलब क्वालिफाई किए हैं आफ्टर 36 ईयर्स, काफी बड़ी बात है। हाँ, नहीं, बढ़िया तो सही है, मतलब टीम आज अनाउंस हो गई है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सही चलेगा। अगले हफ्ते से देखते हैं क्या बनता है। नहीं। अब तो 26 में वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं ना, वर्ल्ड कप कनाडा में हो रहा है ना। हाँ मतलब टोरंटो सही एंड वैंकूवर दो सही सिटीज सही। है, तब तो ट्रैवल करूंगा मैं प्रॉपर। हाँ तब तो मतलब देखने जाना पड़ेगा, बनता है। हाँ यहाँ पे एक्चुअली ना ग्रास रूट सॉकर बहुत अच्छी है, सही है। बहुत हाँ बहुत फंडिंग है, बहुत रिसोर्सेज है बच्चों के लिए, विच इज गुड। आ रहा है मतलब यूएस के फुटस्टेप पे हैं, तो हाँ, मे बी यूएस तक तो पहुंच ही जाएंगे। मेरे ख्याल में गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम वो आगे भी निकल सकते हैं, क्योंकि ना थोड़ा इमिग्रेशन भी ज्यादा है ना, तो हर टाइप के लोग हैं, सिर्फ मतलब जी जो दूसरी कंट्री से फुटबॉल खेलते हैं अल्फोंसो, वो भी आ रहे हैं। हाँ हाँ अल्फोंसो हो गया, जोनाथन डेविड हो गया, हाँ काय लायरेन हो गया, ये सारे मतलब वो बड़े क्लब्स में खेलते हैं, तो दे आर गुड, काफी हाँ अच्छे प्लेयर्स निकल के आए हैं। नहीं, मेरे को लग रहा है कि सीन अब अच्छा ही होने वाला है वहां पे तो। हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए भी। चलो चलो, तो अब फुटबॉल की बातें कर ही रहे हैं अगर, तो जी शुरू करते हैं कि व्हाट मेड यू प्ले फुटबॉल, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने फुटबॉल खेलना देखना स्टार्ट कर दिया? यार, बेसिकली ना पहले सभी क्रिकेट खेलते थे इंडिया में, तुझे हाँ भी पता है। तो हुआ क्या, मेरा मेरा जो स्कूल था ना, ननकाना साहिब पब्लिक स्कूल, ये गांव का स्कूल था रामपुर पंजाब में, हाँ तो जी लुधियाना के पास है, तो वहां पे हमारे जो कोच थे ही वॉज अ सॉकर फैन, अच्छा फुटबॉल के बहुत बड़े फैन थे वो, तो उन्होंने टीम बनाई और हम लोग भागने वाले लड़के थे, एथलीट थे शुरू से, तो हमें रख लिया कि भागो, हम खेलना शुरू किया। तो मतलब मेरी तब एज होगी अराउंड 10 11, तो 11 12 साल की, हाँ 11 साल की उम्र में, देन हमने खेलना शुरू किया। एक दो साल में हमें टूर्नामेंट खिला दिया उन्होंने एक दो बार, तो इसी तरफ हो गया, क्रिकेट छोड़ दी बिल्कुल। क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट चलता रहता था, वो तो चल मतलब वो कभी छूट नहीं सकता, देखते भी हाँ हैं खेलते भी हैं, बट फुटबॉल ने फिर ओवर टेक कर लिया इसको, अपने मतलब पैशन को। फिर 2002 का वर्ल्ड कप याद है मुझे, तो मैं फाइनल्स देखा था, ये R9 ने गोल मारे थे हाँ कान के ऊपर, तो वो देख के बहुत पैशन आया कि हाँ भाई क्या मैजिक है, मतलब कैसे गोल मारे हैं इसने एंड कैसे ब्राजील को जिता दिया, तो ब्राजील फेवरेट टीम बन गई, फिर R9 फेवरेट स्ट्राइकर बन गया, ठीक है। फिर हमारे वो होता था, मतलब हमारे इंडिया में प्रीमियर लीग ज्यादा वो करते थे ना, हाँ तेरा टेलीवाइज्ड, मतलब ब्रॉडकास्ट और भी भाई। कुछ आता नहीं हाँ था, और तो हाँ उस वही टाइप ही होती नहीं थी, आता। हाँ और कुछ भी नहीं आता था, तो तब मैनचेस्टर को देखना शुरू किया, और रोनाल्डो की स्टोरी पढ़ी कहीं पे कि रोनाल्डो ऐसे मतलब उठ के आया है गरीब फैमिली से एंड ऑल, यू नो अंडरडॉग अंडरडॉग टाइप, तो सभी उसको वाउच कर रहे थे मीडिया में भी कि हाँ भाई अंडरडॉग है, देखते हैं प्रीमियर लीग में कैसा करता है, तो उसको देखना शुरू किया, तो फिर क्रिस्टियानो के फैन बन गए, तो वो तो डाई हाँ हार्ट फैन है, उसके तो फैन इसी तरह से बने। रियल मैड्रिड की फॉलोइंग R9 ने स्टार्ट करवाई, फिर मैंने जिडान देखा, बैकम देखा, तो वो तो स्टार्स हैं, वो तो मतलब हाँ गैलेक्टिकोज की टीम जो है वो जबरदस्त एरा था वो। जर्सी तो R9 वाली पहनी हुई है। ये नहीं हाँ नहीं अच्छा, नई वाली, अच्छा मुझे लगा ये सिमेंस वाली है। हाँ नहीं, अच्छा ये नई अच्छा वाली अच्छा है, ये 2019 वाली है। अच्छा अच्छा नहीं, वो कॉलर ऐसा था ना, मुझे लगा वो साइमंस वाली है जो पुराने चलती थी। हाँ, मतलब इन्होंने डिजाइन निकाला था ये दो हाँ तीन साल विंटेज पहले, डिजाइन। हाँ ये तब की है जब सबसे बुरा सीजन था हमारा हाँ 2019, लोपटेगी वाला वो वाला तीन मैनेजर आए, तीन निकाल सबसे दिए। बुरा सीजन था वो, और लास्ट सीजन तो बहुत बढ़िया गया, मजा आ गया लास्ट सीजन। मैजिकल सीजन चलेगा लास्ट सीजन तो।
अरे कमाल ही कर दी मुंडिया ने। हाँ हमारे कनाडा में तो दोपहर होती थी बेसिकली, दोपहर को 3 बजे मैच आ रहा है, तो मजा फुल मजा, पूरा मूड सेट कर देते थे, सही था। कराया एंड एंड में तो खींच गए बढ़िया। बेंजिमा भाई साहब निकल गए आगे, वो तो अलग ही बेंजिमा स्टोरी ने है। यार, बेंजिमा एक्चुअली बेंजिमा ना शुरू से ही अच्छा खेलता था, हाँ ओवरशैडोड इसलिए भी था क्योंकि वो गोल मिस बहुत करता था मिस बहुत करता था, लास्ट ईयर, हाँ उस लास्ट आज इस बार भी बहुत मिस कर रहा है वो, मिस कर ऐसी बात रहा। नहीं हाँ है, ही इज मिसिंग लॉट ऑफ गोल्स, इवन विनिशियस इज मिसिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, बट लास्ट ईयर पता नहीं क्या हुआ दोनों को, दोनों ने अपने जो इनका एक्सजी होता है हाँ उससे डबल स्कोर किया, डबल मतलब मार मान ले दिया। छह इनका एक्सजी है तो 12 मार रहे थे ये लोग गोल, तो देवर टू गुड लास्ट ईयर। और लूका मॉड्रिच तो पता नहीं यार वो भाई तो वो बन विंटेज रहा हो गया है यार, उसको तो क्या है, मतलब अब डिबेट भी नहीं करनी चाहिए उसके बारे में मतलब जहां उसका। वो 10 मैचों में एक मैच खराब आता है यार उसका, और हाँ वो सही। आया रायो वेलोकानो के खिलाफ जो अभी हारे हैं, हाँ वही खराब आया उसका, नहीं तो उसका सारे मैच सही जाते हैं उसके, वो तो बढ़िया ही जबरदस्त खेलता प्लेयर है, है। क्रूज बढ़िया खेलता है। क्रॉस उसका एक सीजन बुरा आया था उसका भी, बट अभी फिर से हाँ वापस आ गया है, जर्मनी वाले उसको कह रहे थे कि आ जा वर्ल्ड कप खेल नहीं उसने हाथ जोड़ लिया कि तो मैं मेरा हो गया, मैं अब नहीं आ रहा भाई। ले भैया यार ना ना जर्मनी वाले भैया, करते भी तो यही है ना, फिर वो अगर गलती करेगा तो बोलेंगे सारी गलती तेरी है। और 2014 जैसे में यही तो हुआ ओजिल, था, ओजिल पे डाल दिया 2018 में 18 में डाल दिया। कि हाँ ओजिल इमिग्रेंट है ये वो, फिर ओजिल कहता कि हाँ मैं इमिग्रेंट हूँ इसीलिए डाल रहा है मेरे पे, रेशियल अब्यूज तो देख जर्मनी में तो है ही, हर जगह ही है, यूरोप में तो हर यार जगह है रेशियल से बेसिकली। ज्यादा सबको ही कर दिया था यार। वो डिफेंडर कौन था अपना, कैप्टन था ना अपना जर्मनी का, जो डॉर्टमुंड से लैम बायन गया था। नहीं, नाम भूल गया यार उसको मैं। कैप्टन तो लैम था ना, नहीं, राम तो राइट बैक खेलता था, वो चले गया था पहले ही। अरे यार जो डॉर्टमुंड में था, फिर बायन गया फ्री में, फिर वापस डॉर्टमुंड आ गया, फॉरगेटिंग हिज नेम। एनीवे भूल उसके गया भी मैं भी भूल गया। मतलब ब्लेम गेम तो सब सब पे गया था फिर तो एंड में। हाँ, मतलब क्या ही बोले बंदा, जर्मनी का तो इस बार भी नहीं कोई चांस, आई डोंट थिंक सो, देखते सही हैं ना। में। चलो चलो तो अब फुटबॉल तो बोलो जो पॉइंट बताइए था सर। कि अभी भी देखो हम अननोइंगली स्टार्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम दूसरी टीम्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस पॉडकास्ट इज अबाउट डिस्कसिंग यू। आपको कब लगा कि आप स्टार हो ये बताओ। मैं सही बताऊं कॉलेज में मैं सच में स्टार था सब फुटबॉल के मामले में, और तो कोचिंग भी, क्योंकि हमारा कॉलेज था बास्केटबॉल डोमिनेंट, बास्केटबॉल की बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर निकल के आते थे हमारे, तो मतलब बठिंडा रीजन से इंडिया के काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां से निकले हैं, जो मतलब काफी बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं, तो हमारे बास्केटबॉल के प्रॉपर 3-4 कोच होते थे, सब कुछ होता था, हमें कभी फंडिंग नहीं मिली ना, हाँ हमें कभी कोच अलाउड किया गया है, एक बार हमें कोच मिला था वो भी जो हमारे पास लोकल था बंदा, काका बोलता था वो, मतलब उसका नाम काका था और वो अपने आप को ब्राजीलियन काका की तरह समझता अच्छा था, वैसा काका, मेरे को लगा मतलब पंजाबी वाला काका। था पंजाबी वाला काका लेकिन अच्छा वो समझता ब्राजीलियन मतलब वो काका था। ब्राजील का था। अच्छा, हाँ अरे उसकी एकेडमी थी, उसमें बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने उसके नाम रखे रखे थे जेराड रूनी, और वो बच्चों के हेयर स्टाइल भी वैसे ही, और गोरे गोरे बच्चे बिल्कुल लटके भी वैसे ही थे वो सही बड़ी सही प्रैक्टिस सही भाई। करवाता था उसने, एक सीजन हमें प्रैक्टिस करवाई बढ़िया, एंड मैं फर्स्ट ईयर में ही था, मतलब बीटेक किया तो 4 साल हो गए, फर्स्ट ईयर में ही मेन मतलब सीबी लाइन में फर्स्ट 11 में आना बहुत बड़ी बात होती है, तब सीबी हाँ सीबी बन गया, तो तब से टीम हमारे अराउंड ही, मतलब कोर टीम बन गई हमारी हमारे अराउंड ही, तो जो हीरो वाली मोमेंट है वो बताता हूँ, हमने ना फर्स्ट टाइम इंट्रा कॉलेज, इंट्रा बेसिकली कॉलेज में जैसे स्ट्रीम्स होती है ना, कंप्यूटर साइंस, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद अलग अलग ईयर्स की टीम होती है, तो हमने एक टूर्नामेंट करवाया, सो क्या हुआ कि हमने ऑर्गेनाइज करवाया, तो हमारा मैच पड़ा क्रिकेटर्स के साथ, तो 9v9 खेलते थे, और गोल पोस्ट होते थे वो छोटे वाले नहीं होते हॉकी वाले, समझ गया समझ गया समझ गया, जो हम खेलते थे हेरिटेज जो में, हमारा हेरिटेज। हाँ जी हाँ समझ गया समझ हाँ, गया। हेरिटेज वाले, तो बेसिकली वो वाले गोल पोस्ट, और वो क्रिकेटर्स की टीम ने 0-0 पे ड्रॉ पे रोक लिया हमें, हमारी टीम फेवरेट थी,
0-0 पे रुक गया, और उनका विकेट कीपर जो था, मतलब वो हमारी कॉलेज का विकेट कीपर था, बहुत लो खड़ा होता था, वो पेनल्टीज में खड़ा हो गया भाई। पेनल्टीज मिस हो ही जा रही हैं, सडन डेथ पे पहुंच गई कहानी। मतलब कोई कोई मार रहा है, आई गेस 3-3 था स्कोर, तो लास्ट पेनल्टी मेरे पास आई, पहली मैं मिस कर चुका था, लास्ट पेनल्टी मेरे पास आई। मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा कि वो ना ऐसे खड़ा हुआ बिल्कुल नीचे हाथ करके, तो मारना बहुत मुश्किल है, तो तो एक सेकंड एक मैंने, सेकंड, हाँ पहली अगर मिस कर दी तो दोबारा बारी कैसे आई, ये नहीं समझा। सडन डेथ, सडन अच्छा डेथ, सडन डेथ हो गया, री राउंड। अच्छा समझ गया समझ। हाँ री राउंड हो गया ना, 9v9 चल हाँ रहा था, हाँ तो गॉट इट गॉट इट गॉट। री राउंड में आ गए, तो दोबारा बारी आई, तो बेसिकली मैंने देखा कि वो नीचे हाथ करके खड़ा हुआ है, तो मैंने ऊपर उसको ना डिसीव करने के लिए ऐसे ऊपर के कॉर्नर की तरफ देखा, और उसने हाथ ऊपर किए, मैंने नीचे मारी, उसके हाथ के लग के अंदर लाइन क्रॉस करके बस घुस गई किसी तरीके से। ओ भाई, उसके बाद जो हम भागे, पूरे ग्राउंड के अंदर टी शर्ट उतार के भाग रहे हैं, सब हमारे पीछे भाग रहे हैं, पूरे कॉलेज के बच्चे लड़के सब, वो फील आई थी, मतलब कि आज भाई वर्ल्ड कप जीत हाँ लिया, यार, स्टार ये बन गए। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जो जीतने की फील है ना, वो अलग ही फील है। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर हमने जितने, मतलब 4 इयर्स, 4 इयर्स, 4 साल कभी सब फुटबॉल का मैच हारा भी नहीं, एक भी मैच नहीं हारा इंटर कॉलेज, तो जो कॉलेजेस में खेलते थे तो वो हाँ तो कभी नहीं हारा, हमेशा मतलब जीते हैं और हर टूर्नामेंट जीते हैं, क्रिकेट के भी कई टूर्नामेंट जीते हैं खैर, पर फुटबॉल में तो पक्के स्टार थे हम, कॉलेज में तो काफी बढ़िया इमेज थी हमारी। थर्ड ईयर में तो कोच भी नहीं था हमारे पास, कोच भी मैं ही, कैप्टन भी मैं ही, फोर्थ ईयर में भी यही हाल था, कोच भी मैं ही, कैप्टन भी मैं ही, तो वहां तो स्टार वाली फीलिंग थी प्रॉपर, हमारे सही, साथ आगे बहुत इमेज थोड़ी बढ़िया। खराब हो गई थी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, गुड़गांव में वो जो 6 साल का गैप था ना, मेरी गेम ही बहुत गंदी हो गई थी यार, मुझे हाँ ना मेरा टच रहा, ना पासिंग रही, ना कुछ नहीं, रहा, मैं तो बिल्कुल टांग खींच रहा खत्म। हूँ यार। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मतलब मेरी ना जैसे डिफेंडर वाली गेम नहीं होती पंजाब वाले, कि हाँ आई वो देखा है बॉल हमने तो, चलवा, हाँ आई मैंने तो बॉल देखा चलवा, है, मैं तो 4 साल देखा है, या बंदा बाहर या बॉल या बाहर, यही बॉल हाल बाहर। है। देख लेकिन लास्ट टूर्नामेंट गुड़गांव में भी जीत के गया हो, ऐसी बात नहीं है। वो तो भाई जिसका बनता है जीतना, देखो उसका हाँ बनता है जीतना। वो स्टोरी भी बड़ी, वो भी वैसे एक हाँ अपने आप में बहुत बढ़िया स्टोरी है कि उससे एक पहली लीग हारे, सेमीफाइनल में ओन गोल हो बहुत, गया जो टेढ़ी से लग हाँ गई थी, बहुत, हाँ और फिर बहुत अगले बहुत में आके बुरे, जीत गए। अगले में आगे जीत गए, सही सही टूर्नामेंट सही था यार, वो मजे आते थे गुड़गांव में, हाँ अब अभी भी यहाँ पे चलता तो रहता सही। है, करते रहते हैं लोग आपस में, लगे रहते हैं। लक्ष्य मैनेजर बन गया, एक मैच नहीं जीता, तो मतलब कहानियां देखो चलती रहती हैं सबकी। लक्ष्य लक्ष्य कभी नहीं जीत सकता, ही कैन ओनली टॉक। जो नए लोग हैं वो सोचते हैं अरविंद पता नहीं कौन है यार, यार ग्रुप पे बातें करते रहता है यार, देखा कभी नहीं हमने। मैंने कहा वो है अभी एक, देख लेना हाँ वो मैंने कहा एक आदमी है उस, वो रहेगा ग्रुप पे। पैशनेट सबसे हाँ ज्यादा, वही। अभी तो यार रेफरिंग ने भी काफी काम डाउन किया है, गेम की और समझ बहुत आई है यार मेरे, ये तो हमें। देख बहुत ट्रू है। पता है मैंने जॉब शुरू करने से पहले ना थोड़ा टाइम कोचिंग करी थी फुटबॉल की, और छोटे बच्चों के साथ ना ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अलग है, मतलब पेशेंस कंपोजर बहुत जो है ना बहुत वो करके आता है वो। बहुत बहुत। अब देख मैंने कल कल का दिन था, कल सैटरडे था, तो कल मैंने अंडर 17 गर्ल्स की एक गेम की, ठीक है, उसके बाद अंडर 8 बॉयज की, 3 गेम्स की, ठीक है, तो लेवल का इतना फर्क डिफरेंस है हो ना, गया। इतनी हाँ पेशेंस का वो होता है, कि अंडर 17 वाली लड़कियों को पता है कि इंजरी नहीं करनी, प्रॉपर गेम चल रही है, मैंने पूरी गेम में मतलब 90 मिनट की गेम में 7 फाउल का कॉल किए होंगे, बस टोटल 7 फाउल, इतनी क्लीन गेम थी, और बच्चों वाली गेम में उनको हर चीज बतानी पड़ती है, नहीं यहाँ से किक इन है, यहाँ से हाँ गोल किक है, वो बड़ा मतलब अलग हो जाता है, पेशेंस आ गई है बहुत ज्यादा यार, उस शेप कर दिया सॉकर फुटबॉल ने ना, टोटली शेप कर दिया लाइफ में भी, है यार, मतलब इट्स अ वेरी जब लाइफ डिफाइनिंग स्पोर्ट। हाँ जब खेलते थे तब अग्रेशन था, सब कुछ था बेसिकली, अब हाँ अग्रेशन तो है ही नहीं है बिल्कुल, मतलब पेशेंस ही बहुत है पेरेंट्स। अब तुझे बताऊं हीरो वाली मोमेंट कब आती है, जब पेरेंट्स गेम के बाद बोलते हैं ना, U14 U15, वो डेवलपमेंट इयर्स होते हैं, हाँ
वो वाली जब पेरेंट्स बोलते हैं ना, रेफ रेफ यू हैड अ ग्रेट गेम, यू आर द ग्रेट बेस्ट गेम। रेफ, मतलब तब आते हीरो वाली फील, ओ मजा आ गया भाई। अब नहीं ये तो है। बेसिकली वो वहां पहुंच हाँ गए फिर हैं, वो वो लेवल पे पहुंच गए। लेवल का अचीवमेंट वो हो गया ना, ग्रोथ हो रही है जैसे जैसे, तो फिर अलग लेवल हाँ में हीरो लगेंगे। हाँ नहीं मतलब बढ़िया है उस बढ़िया। लेवल पे हीरो है। अब मजा आता है रेफरिंग करने में, बहुत मजा आता है। पतला हो गया हूँ यार, मैंने अच्छा है अराउंड भाई अच्छा। 40-45 pounds डाउन कर लिया है अपने आप तो को। 7-8 किलोमीटर तो गेम के निकल जाते होंगे आराम से। कल मेरे 25 किलोमीटर थे, 6 गेम्स हुई हैं कल मेरे, छह गेम्स में हाँ नहीं 28 किलोमीटर सॉरी। भागना तो बहुत देखो भागना पड़ता ही। पड़ता हाँ भागना तो पड़ता है। है, हर साल फिटनेस टेस्ट होता है, असेसमेंट्स होती हैं, बहुत कुछ है बेसिकली। अब तो नेक्स्ट ईयर मेरा मे भी मैं लीग 1 में चलाऊंगा। लीग 1 बेसिकली सेमी प्रो लीग है कनाडा की। समझ गया अगर समझ वहां गया। वहां एंट्री हो गई तो फिर इजी हो जाएगा आगे। पेल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। के रखेंगे, देखते हैं। वहां पे वैसे ऐसा पिकअप गेम्स वगैरह का क्या सीन है कम्युनिटी बहुत मतलब होती फॉर हैं, एडल्ट्स? बहुत होती हैं, मैं भी खेलता हूँ कभी कभी, बट यार इतना मजा नहीं आता, ज्यादातर बुड्ढे ही होते हैं बेसिकली। हाँ क्योंकि वहां जो के तो जो यंग जो लोग हैं वो भी फिट है ना। नहीं, जो यंग लोग है ना बेसिकली, वो ज्यादातर जो प्रोफेशनली ही खेल रहे हैं, एग्जैक्टली भाई। चाहे वो डिवीजन 4 में खेल रहे हैं, डिवीजन 5 में खेल रहे हैं, तो वो वहीं खेल रहे हैं। तो वो लोगों के मतलब उस लीग में मैं जाना नहीं चाहता, इंजरीज बहुत होंगी वहां पे। तो हाँ, और वो मैं तो बनता भी नहीं है रेफरिंग, यार। हाँ, हाँ और मैं रेफरिंग करता हूँ, एक आधा साला क्लैश हो गया तो वो कहेंगे तू फेवर कर रहा है, ये है वो हाँ है, इसलिए वहां जाना ही नहीं है। नहीं, ठीक बात है, क्यों पंगे लेने हैं यार। मास्टर्स लीग होती है ओवर 35, वो देखेंगे, मतलब 3-4 साल बाद जब 35 के ऊपर हो गए वो खेलेंगे। वो बढ़िया बढ़िया खेलेंगे। बढ़िया, सही सही सही। चल रहा परविंद है ये बताओ कि वर्ल्ड कप का क्या ख्याल है, क्या लगता है? यार वर्ल्ड कप। सही बताऊं, इस टाइम मुझे लग रहा है कि अर्जेंटीना अनबीटन जैसे चल रही है, अर्जेंटीना को जीतना चाहिए, सब यही कह रहे बट हैं। जीतना चाहिए, पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीतेगी, क्योंकि मुझे मुझे नहीं, उस उसकी ना पाथ मैंने चेक किया था, पाथ बहुत टफ है। तो हाँ इस टाइम जो जो अंडरडॉग टीम है वो है डेनमार्क, सबसे अंडरडॉग टीम है, और सबसे अच्छा रन उनका जाएगा। देखिए वो मतलब वो काफी आगे तक जाएंगे, एक आधा अपसेट भी करेंगे, एंड जीतने का चांस मुझे ब्राजील का लग रहा है, ब्राजील ले जाएगी इस बार। वो है ना, बहुत ब्राजील ने काफी यंग, मंजरी बहुत टीम बना ली। हाँ हाँ, और बहुत यंग भी हैं लड़के, ये बिनी हो हाँ गया, और अपने रोड्रिगो हो अपने गया, अपने अपने टीम्स में बेस्ट है, जैसे मार्टिनेली हो गया, हाँ सारे विनिशियस हो बहुत गया, बढ़िया, हाँ कैसेमिरो हो कैसेमीरो हो गया, ये गया, इवन नेमार पीएसजी का बेस्ट प्लेयर है नेमार। इस साल, बट इस मुझे लग साल रहा है कि डिफेंस में थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर रहा मैं ब्राजील के। बस बस डिफेंस का ही चक्कर है, पर ये अगर गोल मारते रहेंगे इनको क्या दिक्कत ये बात भी है यार, बट है। वर्ल्ड कप होता है इनको यार, और नेमार का तुमने हाँ देखा है, एक मान ले नेमार इंजर्ड हो गया। बस वही दिक्कत हो जाएगी, एक मैच की बस प्रॉब्लम है इस बार। खैर डेप्थ तो देख पुर्तगाल की भी बहुत अच्छी है, जैसे तू उनको सपोर्ट करता मैं है, वही पूछने लगा था डेप्थ कि पोर्चुगल का क्या लगता है। डेप्थ बहुत अच्छी है उनकी। प्रॉब्लम जो रहेगी ना वो ब्रूनो के हॉलीवुड पास और रोनाल्डो की फॉर्म, हाँ ये दो प्रॉब्लम्स है। अगर ब्रूनो अपनी गेम खेल गया, मतलब जैसे वो मैनचेस्टर में एक सीजन में था ना, मतलब था पूरी मैनचेस्टर को उड़ा के ले गया था, वैसा खेल हाँ। गया फिर पुर्तगाल भी नहीं रुकेगी, मतलब दे वर्ल्ड कप विल में तो बी बनता है यार किलिंग। वैसा खेलना। हाँ फिर वो किल कर देंगे बेसिकली सबको, बट वैसे कोई रोनाल्डो भी का भी आ लास्ट जाए। वर्ल्ड कप है, वो एड़ी चोटी का जोर तो लगा देगा। उसकी फिटनेस की प्रॉब्लम है यार, वो मैनचेस्टर गोल मारने थोड़ी भूलेगा यार बंदा, ठीक है, उसको उसकी फिटनेस नहीं आई है। मतलब ही जैसे वो लास्ट सीजन एकदम से उसकी फिटनेस वापस आई थी, उसने कितने सारे हाँ गोल मार कितने दिए गोल थे, मारे थे। हाँ मतलब लगातार ही मारती ही जा रहा था, हर मैच में मार रहा था। तो वैसा कुछ अगर हो गया कि फिटनेस आ गई एंड ही इज बैक टू हिज बेस्ट, फिर तो वो पेल लेगा, फिर चाहे रिटायरमेंट ले ले उसके बाद। हाँ उसके बाद तो कोई फर्क नहीं है। खैर एक अच्छा वर्ल्ड कप निकाल वो ले बस। हाँ मतलब लास्ट है, तो मेसी का भी लास्ट है, नेमार का भी लास्ट है, सबका लास्ट ही है। मेसी तो कर कुरा के फिर वापस आ जाएगा, जैसे जिस हिसाब से मेसी 4 बार रिटायरमेंट ले चुका है। मेसी का कुछ मत पता नहीं चलता बोल यार।
गाली देके निकल लेगा, निकलने अच्छा है भाई, बैड एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। हाँ ये भी है, अब सब कहेंगे तुम रोनाल्डो फैन बॉय हो, ये है वो। अबे जिसको जो कहना है, देखो क्या ही कर सकते हैं यार, एक फेवरिज्म तो होती है ना यार। ऑब्वियसली तुम अब अगर देखोगे पीएसजी में मेसी के इतने गोल्स हैं, तुम अगर चेक करोगे किन के खिलाफ है, ये भी तो देखो यार, वहां उसको खिला लो रोनाल्डो को। वो सिटी में अगर होता तो इतने गोल होते उसके। खैर ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई गेस जैसे टेन हैग उसे ट्रीट कर रहा है ना, वो एक पॉइंट पे गार्डियोला भी ऐसे ही ट्रीट करता है यार। मोर देन ट्रीटमेंट ना, मुझे लगता है कि सर्विस प्रोवाइड ना सिटी में ज्यादा होती। वो तो है, बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर नहीं देखा यार, वो तो जबरदस्त प्लेयर है, वो जैसे काट के ले जाता ना लो, मतलब जो उसका ग्रेविटी लो चिपका लेता है बॉल, और वो हो गया केविन डी ब्रुइने, हो गया फिल फोडेन यार। फिल फोडेन तो खैर विंग पे है, मैं मिड जो असली सर्विस है वो ये दो जने करते हैं। केविन डी ब्रुइने तो कहीं से भी डाल देता है यार, वो तो भाई साहब अलग ही लेवल का। बेल्जियम सिर्फ उस पे डिपेंड करती है बेचारे पे, क्योंकि वो लुकाकू भाई सब तो कुछ करते नहीं, और हजार्ड को खत्म कर दिया मैड्रिड ने। मैड्रिड ने नहीं, इंजरीज ने, मतलब क्या ही बोलूंगा मैं, जो कुछ प्लेयरों को ना, कुछ प्लेयरों को वहीं रहना चाहिए, कुछ प्लेयरों को वहीं रहना चाहिए जहां वो चल रहे होते हैं। रोनाल्डो को भी वहीं रहना चाहिए था यार, वो तो पापा पेरेस भी कर देते ना फिर कमाल। नहीं ईगो, ईगो क्लैशेस थी वो, ईगो क्लैश दोनों की, दोनों की, एंड पापा पेरेस की भी ईगो मैन। पापा पेरेस पापा पेरेस है यार, दद्दू 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 हो गया, फर्क नहीं पड़ता भाई। रामोस को भगा दिया यार उसने, स्पेन भी, स्पेन भी नहीं मरे, स्पेन भी नहीं जीतेगी, स्पेन नहीं कुछ करेगी मेरे को तो। या तुम मोराटा लेके जा रहे हो यार। हाँ वही तो, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब चलो रामोस को नहीं लिया डजंट मैटर, कोई बात नहीं, एज हो गई है ठीक है, तुम्हें यंग चाहिए कोई दिक्कत नहीं। मोराटा वेंचो बहुत स्ट्राइक करा है यार स्पेन में, स्पेन में बहुत स्ट्राइक करा है, तुम ढूंढो तो सही, और तुम्हें स्काउटिंग नहीं हुई। वो एक वो नहीं है फ्रैंक लिबॉफ, वो कहता है कि वो फ्रेंच में बोलता है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, कुछ प्लेयर्स ये कोचेस के शुशु होते हैं, शुशु शुशु मतलब सन बच्चे होते हैं ये प्लेयर होता है। अब जैसे एरिक गार्सिया ने तो सभी अपने लोग बुला लिए हैं। हमने भी तो यही देखा ना कि हमारी टाइम पे, हमारी जब सिलेक्शन होती थी कहीं भी, तो यही होता था जिसके कनेक्शन है कोच के साथ वही सिलेक्ट होता था। ये तो यार हर जगह कहानी है। हाँ हाँ ये तो चलेगा यार, हर जगह ऐसे ही होता है, ये तो फेवरेटिज्म तो ह्यूमन नेचर है बेसिकली, ये कभी बंद नहीं हुआ। अब गैरेथ साउथगेट देख ले, उसने मैग्वायर को ले लिया, मैग्वायर खिला लिया, और उसने अगले दिन इंटरव्यू में ये भी बोल दिया कि वन ऑफ द बेस्ट सीवीज है हैरी मैग्वायर, और वो खिलाएगा उसको एवर एवर खिलाएगा। आई थिंक हैरी मैग्वायर पे ही स्टॉप करते हैं, इसके बाद तो जोक्स फिर जोक्स ही हो जाएंगे, तो चलते जाएंगे आगे। ठीक है भाई, बड़ा मजा आया अरविंद आपकी स्टोरी सुन के, होपफुली यू आल्सो लाइक्ड इट। यस सर, तो आप हीरो बनते रहो, हम हीरो बनाते रहेंगे लोगों को, कहानी चलती रहेगी। हीरो सर सभी हीरो हैं अपने अपने लाइफ में, वही यार इसीलिए मतलब ये स्टार्ट करने का भी यही रीजन था यार कि कोई तो आके बात करे ना लोगों के बारे में। अब तो क्योंकि देख एक बार कॉलेज में फुटबॉल खेल लिए, स्कूल में खेल लिए, उसके बाद तो सब अपने जॉब करने चले जाते हैं, फिर तो बस तो कुछ भी नहीं है। फिर टीवी देख के यही होता है कि इसकी जगह मैं होता ना अगर, तो फिर मैं बताता बस। हमारी इंडिया की प्रॉब्लम ही है ना। अब मैं कई बार सोचता हूँ ISL होती हमारे टाइम पे, शायद हमने ट्रायल दिया होता, एफर्ट तो मारते ना। हाँ एफर्ट तो मारते ना, जैसे हमारे हमारे बंदा था ना वो शिवम, आई गेस वो लेफ्टी, उसने भी तो दिया था दिल्ली डायनेमोस का ट्रायल। नहीं 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 उसने नहीं दिया था, उसने नहीं था वो, अच्छा जुआन के किसी दोस्त ने दिया था, शिवम ने नहीं दिया था। अच्छा मुझे लगा शिवम शर्मा ने दिया था। नहीं नहीं he was not that good यार। नहीं हमारे में तो सबसे गुड था। हाँ, कम वैसे तो था, बनो तेरी हाँ वो तो दूसरी वाली टीम में था ना, मेरी तो उससे लगती थी। हाँ हाँ पता मेरे को। मैं तो उसको फेल के रखता था। नहीं नहीं बढ़िया था वो, सही है सही है सही है।
चल ठीक है भाई, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड शेयरिंग योर स्टोरीज। एडियोस, बाकी शेयर करते रहना, लोगों को फैलाना, उनको भी बताना अपनी स्टोरी के बारे में, ताकि हम भी थोड़े ग्रो हो, हमारी पॉडकास्ट भी थोड़ी ग्रो हो जाएगी, आपके बारे में पता चल जाएगा लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स सबको शेयर करेंगे। चलो सर, हम ग्रुप पे अपनी चैटें करते हैं फिर आगे, ग्रुप पे चैटें करते हैं। ओके ओके ओके।